हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर स्मार्ट नेशन है स्मार्ट नेशन में आज आपका यहाँ पे स्वागत है इसी के साथ आज हम हालात देखने वाले हैं मुंबई महाराष्ट्र के कि क्या हालात है कोरोना वायरस को लेके क्या प्रतिबंध अब आगे और भी जारी हो सकता है क्या कुछ नए नियम जारी किए जाएंगे इस अपडेट को हम पूरा विस्तार से देखने वाले हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े कोई भी खबर हमें मिलती है हम आप तक तो पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं तो साथ में देखने को मिल रहा है कि मुंबई में बढ़ गए हैं कोरोना के 24 फीसदी एक्टिव मरीज मुंबई में कोरोना के नए मामले भले ही 100 से कम आ रहे हैं लेकिन राज्य में नए मामले में मुंबई की हिस्सेदारी बढ़ते ही जा रही है शनिवार को राज्य में कोरोना के 98 मामले सामने देखने को मिले हैं जिसमें से करीब 50 फीसदी यानी कि तिरालीस मामले मुंबई के हैं इस हिस्सेदारी के साथ ही मुंबई में एक्टिव मरीजों का ग्राफ भी बढ़ते ही जा रहा है महज 21 दिन में एक्टिव मामलों में 24 फीसदी की वृद्धि देखी जा रही है वो भी सिर्फ मुंबई में छब्बीस मार्च को मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या टू थी जो 21 दिन में यानी कि 16 अप्रैल तक बढ़कर 329 तक पहुंच गई है बीएमसी के कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंगला गुमारे ने कहा है कि मामलों में उतार चढ़ाव के चलते एक्टिव मरीजों की भी ग्राफ स्थिर अभी भी नहीं है बीएमसी का मानना है कि हालांकि कुछ लक्षण देखा जाए मुंबई में आंकड़े थोड़े से बढ़ते नजर आ रहे हैं मगर फिर भी मुंबई को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बस साथ में थोड़ी सी देखा जाए सावधानियां बरतने की ज़रूरत है भीड़ भाड़ दिखे तो थोड़ा सावधानियां अभी भी बरतने की आवश्यकता नज़र आ रही है क्योंकि अगर आंकड़े इसी प्रकार बढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं प्रतिबंध और पाबंदियाँ फिर से लग सकती है मुंबई महाराष्ट्र में